हम लोग ये पेपर दिए थे पुलिस वाली पुलिस का, वो भी पेपर लीक हो गया है। गरीब आदमी का बहन बेटी जो है वो पढ़ नहीं पाती। हम राम मंदिर बना दिया है मोदी। अब की बार साइकिल चीज जीतेगी। जंगर का खेल बा, कतो काम लागी तो दो पैसा को करी आदमी, ना लागी तो घरे बैठल रही। यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो है दलित और मुसलमान। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं द क्विंट और क्विंट हिंदी। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी की लोकसभा की सीट पर। यहां से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर, और उनके सामने हैं इंडिया अलायंस की तरफ से राजीव राय। दोनों के बीच मुकाबला कितना दिलचस्प है ये देखने के लिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। अब की बार साइकिल चीज जीतेगी राजू राय। क्यों साइकिल को जीतेगी, क्या ऐसा साइकिल ने कर दिया? 10 साल हो गए भाजपा को हम लोग देख लिए। इसके पहले भाजपा को वोट किए थे क्या? 10 साल से भाजपा ना है। तो क्यों बदलना चाह रहे हैं सरकार को? बदलना चाहते हैं, परिवर्तन जरूरी है। क्यों, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि परिवर्तन जरूरी है? और सरकार अपनी मानक कर रही है। जैसे क्या मानक? एक तो हम लोग जात के हैं, 10 साल से हम लोग का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। योगी जी मोदी जी कहते हैं कि हम वहाँ से पारित कर दिए हैं, योगी जी कहते हैं कि हम यहाँ से पारित करते हैं कर दिए। आई डीएम नहीं सुनता है, तहसीलदार नहीं सुनता है, 10 साल से हम लोग खुद ही परेशान हैं। किस चीज़ का सर्टिफिकेट? हम लोग गुण है, गुण जो सर्टिफिकेट बनता है जात प्रमाण पत्र बनता है वो हम लोग का जारी नहीं होता है। तहसीलदार आनाकानी करता है, अभी 20,000 रुपया लेता है तो बना देता है। हम लोग रोजगार को लेकर बहुत परेशान है। हम लोग ये पेपर दिए थे पुलिस वाली पुलिस का, वो भी पेपर लीक हो गया है। उस पेपर से हम लोगों को बहुत उम्मीद था, हम लोग काफ़ी मेहनत भी किए थे उस पेपर को लेकर। वो पेपर लीक हो गया, इसके अलावा आपने और कौन कौन सी परीक्षाएं दी हैं? एक MTS का पेपर दिए थे और यूपी पुलिस का दिए थे, उसके बाद अभी तो कोई ऐसा फॉर्म नहीं आया है। अच्छा ये बताइए, हमको 5 किलो राशन फ्री देने से जीवन यापन हो जाए, न कोई नौकरी मिले न कोई रोजगार मिले, सब कंपनियां बंद हो गई, तो क्या मतलब है सरकार के? लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। के सरकार बना तो महंगाई नहीं है। सब तो अपने भला मना होता, बताई गरीब दुखिया का तो क्या कुछ जानता नहीं खे, जब बड़ा हो जाता वो अपने के बनावता। कितना पढ़े लिखे हैं? बीए किए हैं। बीए किए हैं, तो नौकरी के लिए कहीं अप्लाई नहीं किए? कोई सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है। भाषा ये दे रहे बना कि मैंने छड़ी पर बटन दबा के सब कोई विजयी बनाना। तो छड़ी पे बटन क्यों दबाने के लिए बोले हैं? हाँ का है, मतलब कौन काम उम करेंगे या क्या वादा करके गए हैं? हाँ हाँ सब कुछ करेंगी, ये देश के देश बनाओगी। हाँ और क्या बोले हैं? ये बोले हैं और दूस नहीं, गरीब दुखिया के मने हाई राम मंदिर बना दिया है, कोई नहीं बनायो, आ कोई बनाए नहीं बनाए, वही ना बनाए, राशन फ्री देता ना, मान ला कि आवास दी हल गरीब दुखिया के, जेकर मरई रहा के मान ला कि ईटा का दिया। इस चुनाव में महंगाई बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई बहुत मुद्दा है साहब। हाँ महंगाई की सीमा के चलते तो एकदम बेकार जा रहा है। और उसमें क्या है कि नेता तो ये हैं सही, बाकी कुछ तो गलती भी कर दिए हैं। गलती ऐसा है कि गरीब आदमी का बहन बेटी जो है वो पढ़ नहीं पाती है, जो अमीर है उसका पढ़ने की पे ध्यान है। हमारे पास एक मंडा जमीन नहीं है साहब, तो अभी इतना महंगाई में हम कैसे अपना बेटा बेटी को पहने पढ़ा सकते हैं? 5 किलो राशन हमको मिलेगा तो ज़िंदगी नहीं ना कटेगा। आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए, मोदी जी को, अखिलेश को, किसको? साहब अभी तो लड़ाई चल रहा है, अब अखिलेश जी जो सामने लौकेंगे तब ना हम बताएंगे। अभी तो ये चल रहा है अपना कि छड़ी पे बाकी जहाँ तक ले अखिलेश यादव अगर जो चल लेंगे ना, तो ऐसा है कि इंसान अखिलेश यादव पर चला जाए। घर में कमाने वाला कोई है?
ओए बूढ़ा वहाँ बैठल वहाँ 10-20 बरिस से आँख बनल है असु तखी में बनल है तो घर का काम करो नहीं जे रह के ठिकाना रह। हाँ तो पीएम मोदी जी तो कहते हैं कि घर दिया है। अरे घर कहाँ दिया वहाँ आवास देवे के रहना था आवास का नाम कट गई आवास मिलवे ना कही। हाँ अब क्या कहे जा जांगर का खेल बा कतो काम लागी तो 2 पैसा को करी आदमी ना लागी तो घरे बैठल रही रोपनी सोहनी अपन खेती में बटैया सटैया मांग के करी ये न हो महंगाई तो आसमान छुअत है। गरीबो आदमी पीसा था अमीरो आदमी पीसा था सत पीसा कहे के मतलब महंगाई तो क्योंकि बस के बाद तारल। हाँ जो सरकार चाहे जब एक मत हो तब कहीं महंगाई घटी न तो महंगाई तो बढ़े के बाद चाहे कोई नेता भी हो हम लोग 60-70 वर्ष की उम्र में देखने नहीं है महंगाई बढ़ते गई न कोई नौकरी बा न कोई चाकरी बा आ न खेती बा न गृहस्थी बा और गरीब आदमी परेशान बना बाकी कैसा भी करके अपन चलाता है। तो जब गरीब आदमी परेशान है तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि दूसरी सरकार आए तो शायद कुछ भला हो जाए। कहें सरकार आओ बाकी ना हमने के शौक बा कि भाई हमने का ओम प्रकाश रहनी है। आप मुफ्त में राशन मिलता है आपको? जी हाँ मिलेगा ललका कार्ड वाला है। अच्छा हाँ उससे काम चल जाता है? ना सर ना महीना में 35 किलो मिलेगा तो मान देने के 35 किलो ना नहीं चली जाओ तो घट बढ़ जाएगा तो अपने कुछ व्यवस्था करे के पड़ी ना। जैसे बिजली का बिल है मैं बता रहा हूँ GST है लागत आप बढ़ा देंगे और प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ेगा तो जो आमदनी होगा उसी में से तो आप शेयर करेंगे। यही काम हमारी समाजवादी पार्टी ने किया था लागत कम हो इसलिए बिजली का फ्लैट रेट किया था। कभी इस तरह GST का वो नहीं था लोगों को बिजली विभाग का 2 नंबर का पैसा नहीं देना पड़ता था। भारत का संविधान खतरे में नहीं है देश का चुनाव हो रहा है भारतीय संविधान से ही हो रहा है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं अब बूथ पर गोली नहीं मारी जा रही है कहीं बूथ पर किसी मतदाता के हाथ नहीं काटे जा रहे हैं किसी बूथ पर किसी महिला का चीरहरण नहीं हो रहा है किसी बूथ पर कोई बम नहीं फेंक रहा है। ये संविधान की रक्षा ये संविधान से रक्षा हो रहा है और जनता जान रही इस चीज़ को कि भारतीय संविधान खतरे में नहीं है। संविधान अगर खतरे में है तो विपक्षी पार्टियों का संविधान खतरे में है। अरे जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे और काम हमारी सरकार कर रही है दबा के काम कर रही है गरीब के पक्ष में काम कर रही है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनता है धर्म भी बनता है कर्म के आधार पर धर्म भी बनता है कि हम ऐसे पार्टी का साथ दें ऐसे पार्टी को ताकत दें ऐसे गठबंधन को का साथ दें जो गठबंधन अंतिम व्यक्ति गांव गरीब की चिंता करती है। उनके स्वजातीय बंधु जो है राजभर हैं निषाद हैं उनके साथ जो है चौहान हैं तमाम लोग जो है तमाम जातियां जो हैं जो गैर दलित और गैर पिछड़ी हैं जो अति दलित और अति पिछड़ी हैं ये सभी लोग जो है अरविंद राजभर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजू राय के साथ जो है सही है कि राजू राय ने काफ़ी विकास किया है। राजू राय जिस समय सांसद नहीं थे विधायक नहीं थे मंत्री नहीं थे उस समय जो है घोषी लोकसभा में बहुत काम करने का काम किया जिस काम के लिए लिख करके दे दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उस काम को करने का काम किया है इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो राजू राय के साथ भी जो है हमको लगता है कि कमोबेश हर बिरादरी का वोट मिलेगा। BSP में जो है बालकृष्ण चौहान जी को जो है दलित समाज का बसपा का वोट उनको जो उनका परंपरागत है वोट वो मिल रहा है उनको चौहान बिरादरी का भी वोट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार घोषी लोकसभा में त्रिकोणी संघर्ष जारी है लेकिन राजू राय भारी है।